हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार, बिकॉज हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कोलकाता घूमने का। तो अभी हम लोगों ने ये ब्लॉग स्टार्ट किया जस्ट सिवान स्टेशन पे। पीछे आप देख सकते हैं सिवान स्टेशन है, और यहाँ से हम लोगों को निकलना है कोलकाता के लिए। तो हमारा ट्रेन है 4 बजे का, जो कि बाघ एक्सप्रेस, उससे हम लोग को निकलना है। तो चलिए फिलहाल हम लोग ट्रेन का वेट करते हैं, और बहुत कुछ अभी दिखाने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कोलकाता पहुंच के भी आपको बहुत सारे चीज़ वहां पे दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक के लिए हम लोग ट्रेन आने का वेट करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे जो होता है आपको वीडियो हम दिखाते हैं। तब तक हम आपको बाहर से सिवान का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं कैसा है, अंदर से भी चल कर दिखाते हैं। अपना ट्रेन आने में हो चुके 10 से 15 मिनट लेट, और आपको दिखाते हैं फिलहाल घर का माहौल कैसा है, और साथ में ये भी जा रहा है घूमने के लिए, और आपको हम दिखाते हैं अंदर से। ये रहा ऊपर का अपना स्लीपर जो कि मिला हुआ है, एसी छटा है, तो अपना स्लीपर हम दिखाते हैं इधर में, और सब लोग नीचे में हैं। तो बाहर का जो इंडोर व्यू है वो तो लेना मुश्किल है, लेकिन अंदर का यहाँ पर माहौल थोड़ा थोड़ा। ये फिलहाल आ रहे हैं हम लोग को नींद, फिलहाल थोड़ा देर सोते हैं, सोने के बाद उठते हैं, अगर कुछ भी मिलता है या फिर कुछ अच्छा दिखाने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं। आप ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, अलग अलग एपिसोड में ब्लॉग आएगा वहाँ पहुँच के, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हावड़ा स्टेशन पे। अब हावड़ा स्टेशन से चलते हैं आगे, देखते हैं कि कोई टैक्सी वैक्सी मिलता है तो फिर टैक्सी पकड़ के आगे चलना है हम लोग को। तो अगले दिन हम लोग 12 बजे यहाँ हावड़ा स्टेशन पे पहुँचे, और आगे देखते हैं टैक्सी मिलता है कि नहीं, या फिर ओला बुक करना पड़ेगा। तब तक हम दिखाते हैं आपको हावड़ा स्टेशन का कुछ व्यू, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। दिखाते हैं अंदर स्टेशन का फीचर, बहुत यहाँ पे भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख रहे होंगे शायद। हम लोग हाँ इधर से ही बाहर निकलना है। आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग बाहर निकल के लेना है टैक्सी। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं उस बाहर का मेरा हावड़ा स्टेशन जो कि दिखाता हूँ बाहर से भी हावड़ा स्टेशन का, जो कि गजब का स्टेशन है, बहुत ही बड़ा स्टेशन है, क्योंकि सिवान का स्टेशन इसके आगे कुछ नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से ये हावड़ा स्टेशन। When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak it slow and just. यहाँ का टैक्सी का रेट जो कि बहुत हाई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मिल पाता है कि नहीं, अभी ओला बुक करना पड़ेगा। आप पीछे देख, और सामने हावड़ा ब्रिज है, तो चलिए आगे देखते हैं मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये रहा अपना टैक्सी, चलिए टैक्सी में चलते हैं। नहीं इधर बारिश, फाइनली हम लोग अपना टैक्सी में बैठ चुके हैं, ओला जो टैक्सी है, हमारे लिए टैक्सी में बैठने का मज़ा ही अलग है। आपको थोड़ा रास्ते का व्यू और कोलकाता का व्यू थोड़ा हम लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और सामने हम लोग का हावड़ा ब्रिज। और हो रहा है जबरदस्त बारिश, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का बारिश।
लोग आ चुके हैं मतलब प्लेस पे जहाँ पे हम लोग स्टे करना था, और यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे आराम, और थोड़ी देर बाद यहाँ से और भी जगहों पे निकलना है। तो फिलहाल ये ब्लॉग में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट में जो कि आपको बहुत ही सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ब्लॉग में अगर हम लोग करते हैं तो फिर ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो और अगला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।